हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो वक्त हो चुका है एंटरटेनमेंट जगत की तड़कती भड़कती खबरों पे नजर डालने का। बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन मना रहे हैं अपना 49वां जन्मदिन। के निर्माण में व्यस्त थे और एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो रुमाली भूमिका के साथ साथ एक्शन दृश्य भी कर सके। उनकी निगाह फिर अजय देवगन पर आई तो और क्या था, अजय देवगन को फूल और कांटे मिल गई। इसके बाद अजय देवगन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। अजय देवगन ने एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। अजय अपनी पहली ही फिल्म से हजारों बॉलीवुड फैंस के फेवरेट एक्टर बन गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन ने फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम नहीं रखा था। उन्होंने 1985 की फिल्म प्यारी बहना में मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का किरदार निभाया था। अजय को मास्टर छोटू के नाम से बिल भी भेजा गया था। तो आज है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का जन्मदिन। बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा के देश भर में कई फैंस हैं। छोटे पर्दे पर इतने कंपटीशन के बाद भी कपिल ने टीवी की दुनिया में अपना नाम बनाया और अपनी अलग पहचान बनाई। कपिल शर्मा ने अपने ह्यूमर और परफेक्ट टाइमिंग से देश भर का मनोरंजन किया है और वो कॉमेडी के असली बादशाह है। हालांकि कपिल के लिए उनका ये सफर आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और आज उनको जो पहचान मिली है वो उसके भी हकदार है। तो लोकपत न्यूज की तरफ से कपिल शर्मा को ढेर सारी बधाइयां। क्या आपको पता है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल के अंत में कर सकते हैं शादी। बॉलीवुड का सेलिब्रिटी कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल के आखिरी तक शादी कर सकते हैं, यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। खबरें हैं कि दीपिका और रणवीर के पेरेंट्स इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लंबे वक्त से रिलेशनशिप में हैं। दीपिका और रणवीर के घर शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। दीपिका जहां अपनी बहन अनिशा पादुकोण के साथ शॉपिंग कर रही है, तो वहीं इन दिनों रणवीर सिंह के घर वाले भी शादी की खरीदारी में बिजी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका और रणवीर की शादी इसी साल सितंबर से दिसंबर के बीच में हो सकती है। दीपिका और रणवीर के फैंस उनकी शादी की खबर सुनते ही काफी एक्साइटेड हो गए हैं। एक गॉसिप बताऊं आपको, फिल्म भारत में प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस कर सकती है कटरीना कैफ। क्या सलमान खान का दिल फिर से पिघल रहा है कटरीना कैफ के लिए? काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत फिल्म में सलमान खान की कथित एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस कर सकती है। वहीं इन सुर्खियों पर फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने विराम लगाते हुए कहा कि मैंने अभी तक कास्ट फाइनल नहीं की है, लेकिन जब भी मेरी फिल्म की हीरोइन के बारे में मैं सोचता हूं तो कटरीना हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। वहीं कहा जा रहा है कि सलमान का दिल एक बार फिर से कटरीना के लिए पिघल रहा है। दोनों को आखिरी बार 2017 में आई फिल्म टाइगर जिंदा है में साथ देखा गया था। 3 दिन में बागी टू ने की बम्पर कमाई। साल 2018 की सबसे ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन करने वाली बनी फिल्म। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म बागी टू बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 30% की बढ़त देखी गई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बना रखी है और हर दिन बेहतर कारोबार कर रही है। फिल्म ने शुक्रवार को 25.1 करोड़ की ओपनिंग लेने के बाद शनिवार को 20.4 करोड़ जुटाए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बना रखी है और हर दिन बेहतर कारोबार कर रही है। इस तरह फिल्म ने 3 दिन में ही 73 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म सिंगल स्क्रीन में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। आपको बता दें, इसी के साथ बागी 2 ने पद्मावत को पीछे छोड़ते हुए साल 2018 की सबसे ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है। प्रत्युषा बैनर्जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी क्लोज फ्रेंड काम्या पंजाबी ने लिखा इमोशनल पोस्ट। सीरियल बालिका वधु से नाम कमाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी की 1 अप्रैल को पुण्यतिथि थी। प्रत्युषा ने इस सीरियल की लीड आनंदी का किरदार निभाया था। 2 साल पहले प्रत्युषा ने आत्महत्या कर ली थी, तब वह महज 24 साल की थी। प्रत्युषा बैनर्जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी क्लोज फ्रेंड काम्या पंजाबी ने लिखा इमोशनल पोस्ट। सीरियल बालिका वधु से नाम कमाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी की 1 अप्रैल को पुण्यतिथि थी। प्रत्युषा ने इस सीरियल की लीड आनंदी का किरदार निभाया था। 2 साल पहले प्रत्युषा ने आत्महत्या कर ली थी, तब वह महज 24 साल की थी। उनकी मौत की खबर ने पूरी टीवी इंडस्ट्री और आनंदी के फैंस को हिला कर रख दिया था।
उनकी दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनकी क्लोज फ्रेंड काम्या पंजाबी ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर के साथ एक मार्मिक संदेश भी लिखा। आज बस इतना ही, तो कल फिर हाजिर होंगे कुछ चटपटी खबरें और नई गॉसिप्स के साथ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए लोकपत न्यूज़.in।